हमने टेस्ला uh, की स्टोरीज को लेके हम आगे चल रहे हैं टेस्ला के जो वेरियस स्ट्रेटजीज उन्होंने अडेप्ट है इन वेरियस एरियाज दैट कैन बी प्रोडक्शन एरिया दैट कैन बी मार्केटिंग दैट कैन बी एच और हम उससे लर्निंग पॉइंट निकाल रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लर्न कर सकते हैं वेन वी आर एंटरिंग इन द मार्केट विद आवर टेक्नोलॉजी विद आवर प्रोडक्ट विद आवर सर्विसेज और इन आवर इन आवर सम्रीवियस डिस्कशन वी डिस्कस अबाउट प्रोडक्शन स्ट्रेटजी ऑफ टेस्ला वी डिस्कस मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ टेस्ला के उन्होंने कहा कि हम हाई एंड प्रीमियम प्रोडक्ट से एंटर होंगे फिर मीडियम एंड पे आएंगे फिर उन्होंने लोअर एंड पे आए और तीन ब्रांड पर तीनों क्लासेस के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया फिर उन्होंने ट्रक इंट्रोड्यूस कराया जिसमें उन्होंने कहा कि आप वन मिलियन किलोमीटर चलने तक uh, दो लाख डॉलर आप बचा सकेंगे इन इन फ्यूल अब ये तो था उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फिर हमने डिस्कस किया उनकी प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, अब इस सारा जो मार्केटिंग और प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी या ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है उसको सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल बनता है वो है एचआर का एच आर इज वेरी वेरी क्रुशियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एच आर आर द वन टू प्रोवाइड एक्सपर्टीज प्रोवाइड ट्रेन पीपल जिन्होंने जाके सपोर्ट देना है uh, टू इंप्लीमेंट दैट स्ट्रैटजी विच इज डिजाइन बाई प्रोडक्शन पीपल बाई मार्केटिंग पीपल बाई द कार्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग चाहिए अब ये लोग कहां से आने ये हमने लेके आने एच आर वाले लोगों ने नॉ समू माइट बी वर्किंग विद एच आर ऑफ एनी टेक्नोलॉजी कंपनी तो अब आपका क्या रोल बनेगा इफ यू आर वर्किंग एज एच आर एक्सपर्ट इन इन द टेक्नोलॉजी और इसमें हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि टेस्ला ने डिफरेंट क्या किया कौन सा काम डिफरेंट इन्होंने किया टेस्ला ने इसमें जो एक काम डिफरेंट हुआ वो ये हुआ कि हमने जब क्लस्टर्स की बात कर रहे थे तो यूनाइटेड स्टेट्स में ऑटो इंडस्ट्री की हमने बात की कि जो क्लस्टर्ड इंडस्ट्री थी दैट वाज बेस्ड इन डी मिशिगन अब मिशिगन में इंडस्ट्री बेस्ट होने की वजह से सारी स्किल्ड लेबर जो है वो मिशिगन में बेस्ड थी एक्सपर्ट इज वहां पे बेस्ड है अगर आप एक नई इंडस्ट्री लाते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि मिशिगन एंड कैलिफोर्निया आर वे फार फ्रॉम ईच अदर तो मोबिलिटी ऑफ लेबर इज वेरी हार्ड लेबर को एक जगह से दूसरी जगह पे मोबाइल कराना uh, बहुत मुश्किल एक चैलेंज था लेकिन दिस इज वन चैलेंज विच एच आर ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट्स ऑफ टेस्ला दे एक्सेप्टेड और उन्होंने कहा, कहा HR, uh, expert, uh, force, uh, कि वी विल ब्रिंग एक्सपर्ट एक्सपर्ट वर्क फोर्स टू कैलिफोर्निया हम यहां पे लेके आएंगे और यहां पे डेवलप करेंगे अब दो काम हो गए एक तो चैलेंज आ गया एच को के लिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पे क्या आपने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करनी है उन लोगों की जो कि कंपेटेबल होंगे विद द स्ट्रेटजी दैट कंपनी हैज डिसाइडेड जो कंपनी की प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है और कंपनी की मार्केटिंग uh, स्ट्रेटजी है उसके साथ मैच करने वाले लोग जो हैं वो आपने ढूंढना है और दैट्स वेयर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कम्स कि आप पहले तो सर्च करते हैं वेयर द राइट पीपल आर देन यू चूज द मोस्ट अपरापरेट पीपल फ्रॉम दैट बिग बैंक ऑफ एप्लीकेंट्स एक तो काम ये करना पड़ गया कि आप एक बिल्कुल नए एरिया में बैठे हैं वहां पे ढूंढने एक्सपर्ट विच इज वेरी हार्ड जॉब दूसरा काम हो क्या हो गया वो है ट्रेनिंग इन केस यू आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट पीपल तो फिर आपको ट्रेन करना है अब ट्रेनिंग के लिए फिर एक चैलेंज आ गया कि हमें बिल्कुल उन लोगों को जिनको बहुत अवेयरनेस नहीं है ऑटो इंडस्ट्री की उनको ट्रेन करना टू वर्क इन ए इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी जो कि बहुत चैलेंजिंग कंपनी है बहुत हाईटेक कंपनी है विद वेरी न्यू आइडियाज उसमें काम करने के लिए लोगों को ट्रेन करना है तो आई एम जस्ट रीडिंग समथिंग फ्रॉम यू स्लाइड सेज टेस्ला ह्यूमन रिसोर्स कमिटेड टू ब्रिंगिंग मैन्युफैक्चरिंग जॉब बैक टू कैलिफोर्निया मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपर्ट को उन्होंने कहा हम कैलिफोर्निया लेके आएंगे uh, उनके uh, एच आर एक्सपर्ट ने कहा कि लास्ट फोर्टीन मंथ में हमारे पास वन पॉइंट फाइव मिलियन एप्लीकेशन आई है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में से लोग जो है वो टेस्ला में काम करना चाहते हैं बिकॉज पीपल वॉन्ट टू वर्क विद द विजन ऑफ मस्क विद द वे टेस्ला वर्क उस चैलेंजिंग एनवायरमेंट के साथ लोग काम करना चाहते हैं एंड दे आर अप्लाइंग फॉर द जॉब वन वन पॉइंट फाइव मिलियन एप्लीकेशन जो है वो हमें ऑलमोस्ट इन ईयर हमारे पास आई हैं अब इतना बड़ा साइज एप्लीकेंट का आपके पास आ गया है इसमें से बहुत बड़ा चैलेंज क्या हो जाएगा कि हाउ टू चूज द राइट पीपल नो वी नीड टू हैव वेरी इफेक्टिव मैकेनिज्म जिसके थ्रू हमारी स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी कि इतना बड़ा साइज ऑफ एप्लीकेंट है इसमें से बहुत थोड़ा लोग है जो आपको चाहिए तो ये सारी स्क्रीनिंग कैसे होनी है इसके लिए हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ वेज ऑफ एंड अगेन टेक्नोलॉजी यहां पे भी आ गई कि टेक्नोलॉजी ने आ, हमें असिस्ट करना है कि एचआर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था जो सिलेक्शन प्रोसेस था वहां पर आके किस तरीके से हमने स्क्रोटनाइज करना है और चूज करने हैं राइट पीपल आप ये देखिएगा कि एक एक नॉन कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके सारे काम ही तकरीबन नॉन कन्वेंशनल हैं उनका आइडिया भी नॉन कन्वेंशनल है उनके प्रोडक्ट भी नॉन कन्वेंशनल है उनकी इंटेग्रेशन स्ट्रेटजी भी नॉन कन्वेंशनल है विच इज प्रोडक्शन स्ट्रेटजी उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है दैट इज देयर और उनकी एच जो है इस ऑल वेरी डिफरेंट तो इस सारी स्टोरी से लर्निंग पॉइंट क्या बनता है लर्निंग पॉइंट ये बनता है कि मार्केट में वी कैन सर्वाइव विद नॉन कन्वेंशनल स्ट्रेटजीज लेकिन उसके लिए जरूरी है सबसे पहली बात यू शुड हैव ए स्ट्रेंथ इन योर प्रोडक्ट आइडिया विजन एंड मिशन अगर वो है तो फिर uh, लोग आपके पास अप्लाई भी करते हैं आपके पास जॉब के लिए भी आते हैं आपको फिर मैन पावर ट्रेनिंग मैन पावर सर्च बहुत फिर मुश्किल नहीं हुआ करती सो इफ वी आर वर्किंग इन एच आर ऑफ एनी टेक्नोलॉजी कंपनी दीज आर द लर्निंग प्वाइंट विच वी हैव कि जरूरी नहीं है कि हम किसी क्लस्टर में बैठेंगे तो हमारे लिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हो सकती है क्लस्टर से बाहर जाके भी ये पॉसिबल है एंड दैट्स व्हाट दे डिड उन्होंने कहा इतना बड़ा साइज है हमारे पास लोगों का जो अप्लाई करता है जॉब के लिए उसमें से हमने चूज करने हैं राइट पीपल तो ये इतना बड़ा साइज कैसे टैसला तक पहुंच गया क्लस्टर से बाहर रहकर दैट्स द यूनिक पॉइंट क्लस्टर में रहते हुए तो ठीक था अगर आप मिशीगन uh, में ही यही फैक्ट्री लगती तो बहुत सारी कंपनीज के लोगों ने छोड़ के इनकी कंपनी में आ जाना था लेकिन अगर आपने वेरी फार जाके कहीं एक इंडस्ट्री लगा दी और क्लस्टर से आप बाहर चले गए इसके बावजूद इतना बड़ा नंबर जो है दे आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन दिस कंपनी इज वेरी यूनिक सो वी हैव लर्न वाट फ्रॉम ऑल टेस्टला स्टोरीज आर हमने लर्न ये किया है कि हमारी जो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है उसको हम वी कैन We can learn some point from their strategy. We can follow the same there too. In, uh, Our integration hai, that's possible. Which assumption it's possible. Hai. It is possible. Its advantages And a very unique product. market. That can be popular. It can work very well. We have to be careful. We have to uh, keep learning from every story, every case study, every uh, example which we bring in this discussion. उसमें से कुछ पॉइंट आप नोट किया कीजिएगा जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ऑल दीज पॉइंट कैन बी यूजफुल फॉर यू टू मेक द डिसीजन व्हेन यू विल बी ए लीडर इन योर ऑर्गेनाइजेशन